यात्रियों कृपया ध्यान दें, 25 नवंबर 2023 को 11 बजे के बाद भारत का राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई भी रेलगाड़ी ना बाहर जाएंगे एवं ना अंदर आएंगे। भारत का पूर्व सैनिक द्वारा भारत का राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जो यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। यात्रियों एवं देशवासियों, भारत का सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों द्वारा लगातार पिछले 8 महीने से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है। सरकार को जगाने के लिए माननीय सांसद के द्वारा, जो अपना देश के सत्ता पक्ष एवं विपक्ष, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष का सांसदों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी को हमने पूर्व सैनिकों की ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर मेमोरेंडम सौंपा गया। देशभर के पूर्व सैनिक द्वारा समस्त राज्यों से अपना अपना क्षेत्र का जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट का साथ में मिलकर भारत के राष्ट्रपति जी, रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हमारा विसंगतियों को लेकर मेमोरेंडम सौंपा गया। पूर्व सैनिकों द्वारा अपना अपना ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ते हुए जो तहसीलदार का माध्यम से भी मेमोरेंडम भारत सरकार को सौंपा गया कि पूर्व सैनिक द्वारा उच्चतम न्यायालय से 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी का मांग की है। सरकार ने उसी के ऊपर अब तक कोई विचार नहीं किया। सरकार के सामने सबका सैनिक संघर्ष समिति द्वारा 10 सवाल पूछा गया है, उसके लिए भी कोई भी जवाब पिछले 9 महीने से पूर्व सैनिकों को अब तक नहीं मिला। मजबूरन पूर्व सैनिकों को रेल रोको आंदोलन में जो सरकार को चेतावनी देने में मजबूर होना पड़ रहा है। सबका सैनिक संघर्ष समिति के नेतृत्व में है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर 2023 को हम रेलों को रोकेंगे, सरकार को जगाएंगे। पूर्व सैनिकों का साथ लगातार 75 साल से भेदभाव किया जा रहा है और सेना का एक वर्ग को केवल उनको ही लाभ दिया जाता है, जो कि सेना में कम उम्र में सेवानिवृत्त होकर आए व पूर्व सैनिकों की पुनर्वास, कल्याण एवं पेंशन विसंगतियों पर भारत सरकार ध्यान नहीं दिया जा रहा है। MSP के ऊपर भेदभाव किया गया है। ORP जो निचले रैंकों का पूर्व सैनिकों के लाभ ना देते हुए जिसको लाभ हक नहीं है उन लोगों को लाभ दिया गया है। सातवां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्ट में अलग अलग तरीक़ा से जो दर्शाया गया है उसी हिसाब से टेबल बन चुका है। ऑफिसर्स का डिसेबिलिटी पेंशन और जवानों का डिसेबिलिटी पेंशन में काफ़ी अंदर है। सर्विस पेंशन का जो परसेंटेज के ऊपर आप ध्यान से देख सकते हो। विधवा पेंशन का भी टेबल आप देख सकते हो। हमने मांगा है, देश के पूर्व सैनिकों ने मांगा है,
एक न्याय के लिए एक जुडिशरी कमेटी। सरकार से केवल एक सिंबल से मांग करने के बावजूद भी 9 महीने से लगातार जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, ये हमारा देश की अपमान है। वर्तमान में समस्त राज्यों की पूर्व सैनिक अपना अपना एरिया पर मीटिंग लगाकर जंतर मंतर पर आने वाला 25 नवंबर पर होने वाला रेल रोको अभियान में भाग लेने का तैयारियां कर रहा है। सभी को धन्यवाद। वेलकम। मैं जंतर मंतर।